Good morning, dear students. This is your Hindi. Today we will read lesson 5, फलों की दुनिया. फल means क्या होते हैं फल? फल जिससे हमें खाने से ताकत मिलती है, जो खाने बहुत टेस्टी होते हैं. आप जानते हैं कौन कौन से फल मार्केट में आते हैं? बताइए. यस, केला, आम, अंगूर, संतरा, चीकू, पपीता, तरबूज, है ना, बहुत सारे फल बाजार में आते हैं. हम सब फल खाते हैं और हमें बहुत पसंद होते हैं. सबको फल खाना अच्छे लगते हैं. अगर किसी को खाना अच्छे नहीं लगते हैं तो वो भी खाना, क्योंकि फल खाने से ताकत आती है और हम बीमार नहीं होते, है ना. फल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी भी लगते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम फलों की दुनिया, फलों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे. दुनिया मतलब संसार, जिसे अपनी दुनिया है. ये सब तरह लोग रह रहे हैं, सब हमारे रिलेटिव्स रह रहे हैं, हम रह रहे हैं. ऐसे ही फलों की भी एक दुनिया होती है, उनका भी अपना घर होता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, है ना. तो आज हम इसके बारे में कविता करेंगे कि फलों की दुनिया कैसी होती है. देखो क्या हो रहा है. दो थी बहने चुनिया मुनिया. दो बहने थी, उनका क्या नाम था? चुनिया मुनिया. चली घूमने फलों की दुनिया. दो थी बहने चुनिया मुनिया, चली घूमने फलों की दुनिया. दोनों बहनें फल की दुनिया देखने के लिए गई. केला, आड़ू, चीकू, संतरे बैठे थे एक सभा बना के. चुनिया और मुनिया ने क्या देखा कि केला, आड़ू, चीकू, संतरे सब एक सभा बना करके बैठे हुए थे, मीटिंग में बैठे हुए थे सब. आम फलों का राजा आया, साथ में अपने सेब को लाया. और फिर कौन आया? फलों का राजा आम, और उसके साथ कौन आया? सेब. कौन है फलों का राजा? आम. तो आम फलों का राजा आया, साथ में अपने सेब को लाया, एप्पल को साथ लेकर के आया. फलों की दुनिया बड़ी निराली, गुण भरा है उसमें खाली. ये फलों की दुनिया बहुत अच्छी है, निराली मतलब बहुत बढ़िया है, और इसके अंदर गुण ही गुण है, कोई बुराई नहीं है. कोई फल ऐसा नहीं है जिसको खाने से हमें नुकसान होता है, कोई फल ऐसा नहीं है जिसका टेस्ट खराब होता है, है ना. तो सार फल के अंदर सारे गुण ही गुण भरे हैं, कोई बुराई नहीं. सबके मन को ये ललचाते, खाए बिना कोई रह न पाते. फल सबको अच्छे लगते हैं. जैसे हम फल देखते हैं हमारी खाने की इच्छा हो जाती है, लगता है कब खाएं. घर में एप्पल आती है तब बोलते हो ना मम्मा को, मम्मा जल्दी से एप्पल पीस करके दे दो, बनाना दे दो, मैंगो दे दो, है. स्वाद में है ये खट्टे मीठे, ये तो है जी बड़े अनूठे. स्वाद में थोड़े से कोई खट्टे होते हैं, कोई मीठे होते हैं. जैसे संतरा खट्टा होता है, ग्रेप्स कभी कभी खट्टे आ जाते हैं, कभी मीठे आ जाते हैं. मैंगो कभी कभी खट्टा होता है, कभी मीठा होता है. स्वाद में है ये खट्टे मीठे, ये तो है जी बड़े अनूठे. अनूठे मतलब बहुत अच्छे. आओ मिलकर इनको खाएं, अपनी अपनी सेहत बनाए. आओ हम सब मिलकर इसको खाते हैं और अपनी अपनी सेहत मतलब हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं. समझ में आ गया सबको कि पोयम किसके बारे में है? दो बहनें फलों की दुनिया घूमने के लिए गई, तो उन्होंने वहाँ क्या देखा? वहाँ पर केला, आड़ू, चीकू, संतरे सब सभा बनाकर बैठे थे. तभी वहाँ पर आम फलों का राजा सेब के साथ आया. ये देखो आम फलों का राजा सेब के साथ आया. तो फलों की दुनिया बड़ी निराली,
बहुत अच्छी है, उसमें सब गुण ही गुण है। सबके मन को ये ललचाते, खाए बिना कोई रह न पाते। स्वाद में है ये खट्टे मीठे, ये तो जी है बड़े अनूठे। जैसे आप बताइए कि आपको कौन सा फल पसंद है, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। सब बोलेंगे आम, कोई बोलेगा सेब, कोई बोलेगा केला, सबका आंसर अलग अलग है। दूसरा, आप फल खाते हैं क्या नहीं खाते है? सब बच्चे खाते हैं ना, वेरी गुड। सबको फ्रूट्स खाने हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो फ्रूट नहीं खाता। सबको फ्रूट्स खाने ही हैं, है ना। और आप क्या करेंगे, फ्रूट का जूस भी पी सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं। और ये फ्रूट्स खाने से क्या होता है, फल क्यों खाने चाहिए हमारे को, पता है ना आपको फल क्यों खाने चाहिए? इससे हम हेल्दी रहते हैं, अच्छे तंदुरुस्त बनते हैं, है ना। अब मैं सिर्फ पोयम बोलूंगी अच्छे से, आप भी मेरे साथ पोयम बोलेंगे और गाएंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। दो थी बहने चुनिया मुनिया, चली घूमने फलों की दुनिया। केला आड़ू चीकू संतरे, बैठे थे एक सभा बना के। आम फलों का राजा आया, साथ में अपने सेब को लाया। फलों की दुनिया बड़ी निराली, गुण भरा है इसमें खाए। सबके मन को ये ललचाते, खाए बिना कोई रह न पाते। स्वाद में ये खट्टे मीठे, ये तो है जी बड़े अनूठे। आओ मिलकर इनको खाए, अपनी अपनी सेहत बनाए। समझ में आ गया आपको पोयम कैसी याद करनी है, अच्छे से गा गा कर राग से, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कठिन शब्द लिखे हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। कठिन शब्द मीन्स जो नए शब्द है, दुनिया, संतरे, चीकू, निराली, अनूठे, सहर, सभा, खट्टे मीठे, गुण, ललचाते। मैंने कुछ कठिन शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख रखे हैं, ये कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में लिखिए और इस पोयम को अच्छे से राग से लय से याद करिए। जब भी हमारा स्कूल खुलेगा या जब मैं आपको जूम पे क्लास लूंगी, वीडियो कॉलिंग करूंगी, तब आप ये पोयम मुझे सुना, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं आपको सुन नहीं पा रही, आप तो मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इस पोयम को लर्न करके रखेंगे। जब भी हमारी जूम पर क्लास होगी या वीडियो कॉलिंग क्लास होगी, तब मैं आपसे पोयम सुनूंगी, ठीक है। और आप ये कठिन शब्द अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ओके।